हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका में हाल ही में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका पीपल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 69.9 रहा। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब एक दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में बताते हैं। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट ने गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालावेवा रिजर्वियर। नेशनल गेम में वॉलीबॉल, बर्ड है जंगल बॉल, फ्लावर वाटर लिली। इंडिया श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 101। केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब यह रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, एसल्ट राइफल, कार्बेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने PM किसान निधि योजना यानी कि PM किसान निधि स्कीम के तहत धन की 6ठी किस्त जारी की है। केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की PM किसान योजना के तहत 6ठी किस्त भी जारी की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व WWE रेसलर का निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स कमाला हैरिस। पूर्व पहलवान जेम्स हैरिस, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता था, का निधन हो गया। हैरिस ने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट सहित खेल मनोरंजन के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ संघर्ष किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जेम्स हैरिस, जिन्हें कमाला भी कहा जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश इस स्मारक को पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित करेगा। यह घोषणा बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री मौसमल हक ने की। बांग्लादेश सरकार ने 1971 के लिबरेशन युद्ध के महत्व को हवाला देते हुए त्रिपुरा की सीमा पर स्थित ब्राह्मण बारिया जिले के आंसूगंज में 3.5 एकड़ का चयन किया है, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के साथ कई निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। चलिए आपको बांग्लादेश के बारे में आते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है ढाका। नेशनल डे 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक कैपिटल हाइस्ट माउंटेन है कियोक्रोडोंग।
नेशनल गेम की बात करें तो कबड्डी, एनिमल में रॉयल बंगाल टाइगर, बर्ड है मैगपाई रोबिन, फ्लावर वाटर लिली, नेशनल ट्री है मैंगो, पार्लियामेंट नेम है जाति संसद, नेशनल एंथम है हमार सुनार बंगला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजनाओं रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा या सभी कक्षा की बच्चों के लिए व्यवस्था होगी। चलिए आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली का गठन 1911 हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट सीएम चौधरी प्रेम प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा, फर्स्ट लेडी सीएम दिल्ली की सुषमा स्वराज, लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली के नेक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बिजेस्ट इन द साउथ एशिया, लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की बात करें जो कि दिल्ली में है। दिल्ली का मेन रिवर है यमुना। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उनके स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। भारत की घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपना व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ODOP का फुल फॉर्म एक बार नोट कर लें आप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। चलिए आपको फ्लिपकार्ट के बारे में आते हैं। फ्लिपकार्ट का गठन अक्टूबर 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, चेयरमैन है सचिन बंसल जी। बात करें CEO की तो कल्याण कृष्णमूर्ति जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NCAER। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स और बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे BES जारी किया। NCAER द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पिछले साल के स्तर से 65% तक गिर गया। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज किया गया सूचकांक 1991 के बाद से सबसे कम सूचकांक है। इस अवधि के दौरान उत्तर भारत के लिए BCI में 25.1% की वृद्धि और पूर्व तथा पश्चिम भारत के लिए 89.3% और 68% की कमी हुई है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड और NHB को ग्रामीण और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कॉर्पस कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 करोड़ रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा की पेशकश की है। प्रत्येक बैंक को 5,000 करोड़ रुपये का फंड नीतिगत उधार दर पर प्रदान किया गया।
इसकी तैनाती देश भर में ग्रामीण रेडियो किफ़ायती आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। इस सुविधा के तहत छोटे NBFC और माइक्रो लैंडर्स गरीबों को छोटे ऋण देंगे। चलिए आपको RBI के बारे में आते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मानी स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के जी उदेशी, इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी KBIC। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र यानी सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोला है। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन होगा जो प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरगा, सिल्क रेलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। KBIC ने एरी सिल्क के लिए जीर्ण स्कूल भवन को प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया है और साथ ही प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुलिया गांव के 25 स्थानीय कारीगर के पहले बैच का भी चयन कर लिया है। बात करें खादी KBIC की तो KBIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चलिए अब आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा, कैपिटल ईटानगर, फर्स्ट CM प्रेम खांडू तुंगम, फर्स्ट गवर्नर भीष्मा नारायण सिंह, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। बात करें अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। स्टेट ट्री हाउ लॉन्ग, फ्लावर ऑफ फॉक्सटेल ऑर्किड, एनिमल ए मिथुन, बर्ड ए हॉर्नबिल, डांस ए पोपीर, वर्ड एंड सैंड चालू, मेन रिवर ब्रह्मपुत्र, नेशनल पार्क नाम दफा, नेहरू वन उद्यान। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे व्यक्ति का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंदी एलिया। पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी एलिया का निधन हो गया। वे पहली बार 1979 में सिद्धोपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। नंदी एलिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की थी। वे वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे नंदी एलिया जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में किसे शपथ दिलाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू जी को। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपने कार्यभार भी संभाल लिया है। इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में तैनात गिरीश चंद मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया था। गिरीश चंद मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। गिरीश चंद मुर्मू को CAG के तौर पर कार्यकाल लगभग 20 नवंबर 2024 तक रहेगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गिरीश चंद मुर्मू जी जो कि भारत के नए CAG बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं 11 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 11 अगस्त 1778 को दुनिया में जिम्नास्टिक्स की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविक का जन्म हुआ। 1804 में फ्रांसिस द्वितीय ने ऑस्ट्रिया के पहले सम्राट का शीर्षक ग्रहण किया था। 1828 में एक साल पहले रेड बॉन्ड में मारियम मार्टन की हत्या के लिए विलियम सीडर को इंग्लैंड की बुरी सेंट एडमंड्स में लटका दिया गया। 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सिर्फ 18.5 साल की उम्र में फांसी दी गई। 1948 में लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई। 1960 में अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की। बात करें आज के दिन 1961 में दादर नगर हवेली को भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा की तरह यह इलाका भी कई साल पुर्तगाली उपनिवेश में रहा था।
1985 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने थे। 1988 में अलकायदा का गठन ओसामा बिन लादेन ने आज के दिन किया। 2003 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली। 2006 में पाकिस्तान ने तीसरी अगोस्टा 90B श्रेणी की पनडुब्बी का जलावतरण किया। 2007 में ब्रिटेन के महान संगीतक एंथनी विल्सन का निधन हुआ। चलिए 11 अगस्त के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो खुदीराम बोस शहीद दिवस 11 अगस्त को मनाया जाता है। 11 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1908 में खुदीराम बोस, 2000 में पी जयराज, 2014 में रॉबिन विलियम्स अभिनेता, 2016 में आरिफ मोहम्मद खिलाड़ी पाकिस्तान। बात करें 11 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की तो 1937 एना मैसे अभिनेत्री, 1985 जैकलिन फर्नांडिस अभिनेत्री और 1949 दुवेरी सुब्बाराव अर्थशास्त्री। चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मटर सूप के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूएंट्स इज आल्सो नोन एज पी सोपर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मॉग। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक का लेखन किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए यतीश यादव जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।